मेरा अजीज भाई दोस्तों, ये हम इसको जुकुम कहते हैं और ये जो जुकुम है ये असल जुकुम है ये है। इसमें कांटे वगैरह ज्यादा नहीं है। जो देसी जुकुम होता है उसमें कांटादार होता है। मेरा भाई दोस्तों, इसको जो हम इस्तेमाल करता है ज्यादा तवर हम फालिज में इस्तेमाल करता है। फालिज इसके बगैर कोई इलाज इसका नहीं है। मेरा यूं उम्मीद है कि भाई 10 दिन इस्तेमाल करने से बंदे को आधा मरस जो है ना खत्म हो जाएगा अल्लाह के फजल से। जो सबसे पहले उसको फालिज शुरू हो जाए, फालिज होने के साथ जो है ना ये दवाई इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ये जो रास्ते पर चल नहीं सकता है, जो हाथ पाव काम नहीं करता है या पूरा ऐसा काम नहीं करता मेरे भाई दोस्तों, इसको इस्तेमाल करने से अल्लाह के फजल करम से फालिश का मुकम्मल खत्म हो जाता है। हमने एक मरीज पर नहीं आजमाया है, हमने कम अज कम 100-150 मरीजों पर आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं ये नुस्खा फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रजा के लिए ये बताता हूँ कि हकीम हजरातों को हमारा ये दरख्वास्त है कि आपने जुल्म नहीं करना है। जुल्म ये इस तरह की आप एक बंदा है मजबूर है, आप उसके इसका इतना कीमत लेते हैं कि वो दे नहीं सकता। गरीब आदमों के लिए आप उसकी तरह दवाई दो, अमीरों के लिए उसी तरह दवाई दो, क्योंकि ये कि भाई इंसाफ के साथ, क्योंकि इस पर खर्चा नहीं है। इसको ऐसा क्या करूं, इसको निकाल करके इसको मुकम्मल तौर साफ कंटे वगैरह साफ करके और इसको छोटा छोटा करके किमी की मशीन से इसको छिलका जो है ना उसको यानी जैसे हम गोश्त को किमा करता है इसी तरह जो है ना इसको निकाल करके जो बड़े बड़े पत्ते इसके निकल जाता है उसको अलग करके, जो गोदा है उसको अलग करके, उसको सरसों का ओरिजिनल तेल लेकर और इसमें पका कर, यानी 1 किलो का वजन ये हो इसका गोदे का और 1 किलो सरसों का तेल इसमें डाल दो। जब आप इसको 1 किलो का तेल डाल दे मेरा भाई दोस्तों, ये 2 मरीजों का मुकम्मल इलाज है। जो मैंने 1 किलो का नुस्खा बताया ये 2 मरीजों का इलाज है फालिश का। अगर एक बंदा भी इस्तेमाल करे जो ऐसा कहता है कि जो मेरा असाबों का पटों का कमजोरी है उसके लिए भी इस्तेमाल कर सकता है, जोड़ों के दर्दों के लिए भी इस्तेमाल करता है, जो ताकत की कमी है उसके लिए भी इस्तेमाल करता है। तो मेरा भाई दोस्तों इसको ऐसा क्या करूँ, तो इसी तरह जो है ना आग के ऊपर रखो। जब आग के ऊपर जब आपने रखा जो इसका गोदा खत्म हो जाए, अंदर का जो पानी की तरह होता है पानी खत्म हो जाए, जो ऐसा तेल सर के ऊपर है जिस सर तेल का निशाना सबज आ जाए, तो इसको नीचे उतार करके मेरा भाई दोस्तों जो ऊपर वाला तेल है उसको चांद के थोड़ा मामूली सा तेल जो है ना इसके ऊपर छोड़ के अपने डब्बी में जो छोटे छोटे यानी पाव डब्बी में डाल लो। एक मरीज के लिए कम अज कम आप आधे किलो दो इंशाल्लाह। सरसों ये जो तेल है तेल इसको मालिश करने के लिए दो और जो दवाई है तो उसको सुबह शाम 2 चम्मच इस्तेमाल करो। कम अज कम ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकते है, तो 1 चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करो या 3 टाइम इस्तेमाल कर लो। तो मेरा भाई दोस्तों जो ऐसे मरीज है जो फालिज का अटैक उससे ठीक नहीं होता, जाए अचानक उसको अटैक आ जाए, तो मेरा भाई दोस्तों इसको इस्तेमाल करने से जो मैं ये कहता हूँ कि हमने 100 बंदों से ज्यादा आजमाया है। जो आदमी इस्तेमाल करता है इसको आजमा लो और फिर जो है ना इसका रिजल्ट हमें दे दो। आप हमारे लिए दुआ करना, हमारे माँ बाप के लिए, हमारे खानदान के लिए, हमारे सब घरेलू बंदों के लिए, और ऐसे दुआ करना कि हमारा जितने बच्चे हैं अल्लाह ताला उसको कुरान का हाफिज और आलिम बना ले और दुनिया की मालूमात से उसको गनीमत कर ले। तो मेरे भाई दोस्तों उसके लिए जो है ना हमारे बच्चों के लिए, हमारे सब के लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला अपने दीन से हमें नवाजे। और इसके अलावा हम इसको भी कहते हैं कि भाई ये है जुकम, जो असली जुकम होता है इसका जो भी इस्तेमाल करता है ये मुकम्मल इलाज है फालिश का। और इसका जो तेल है इसको तेल को मालिश करने के लिए इस्तेमाल होता है। जो भी इस्तेमाल करे तो हमारे लिए दुआ करना। मेरा मोबाइल का नंबर, मेरा भाई दोस्तों मेरा मोबाइल का नंबर है 0303-877-888-2। मेरा दवाखाने का नाम है अल हयात यूनानी दवाखाना, मेन बाजार अलपुरे जिला शंगला जिला। मेरा जो सरहद का पता है मेरा भाई दोस्तों जिला शंगला तहसील अलपुरे खैबर पख्तूनख्वा, हाँ सुबह सरहद, तो पाकिस्तान का रहने वाला है हम। अब अक्सर बाहर मुल्क में जो है ना अक्सर लोग इस्तेमाल करता है क्या कि ये कहाँ का रहने वाला बंदा है। तो मेरे भाई दोस्तों मैं खुद पठान हूँ और मेरा 15 साल से ये हम इसका इलाज करते हैं। मेरा अजमूदा नुस्खा है, जो भी इस्तेमाल करे तो मेरे लिए दुआ करना। मैंने फी सबीलिल्लाह ये नुस्खा बताया। इसके अलावा पित्ते का पत्री का इलाज, जो गुर्दे का पत्री का इलाज, और इसके अलावा जो मसाने का पत्री का इलाज, ऐसे बंदा